हाय मेरे प्यारे साथियों, आइए ये सारी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे आज संविधान के स्रोत, देखेंगे कौन हमारे संविधान में जो चीज़ें ली गई हैं, जैसे कुछ देशों से अमेरिका से क्या लिया गया है, और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, कनाडा से क्या लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से, मतलब जहाँ से जो भी चीज़ ली गई उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, कर देंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम। शासन अधिनियम, ठीक है, कवायद 1935 में आया। भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। संघीय तंत्र, इसमें जो संघीय तंत्र, संघीय तंत्र, न्यायपालिका, आपात उपबंध, भारत शासन अधिनियम 1935, संघीय तंत्र, संघीय तंत्र, न्यायपालिका, आपात उपबंध और लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग ये चीज आई, अमेरिका के संविधान, अमेरिका के संविधान से क्या क्या लेगा पूछेगा। मूल अधिकार, मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार को लिया गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लिया गया, न्याय पुनर्विलोकन लिया गया, न्याय पुनर्विलोकन, देखो अमेरिका के संविधान से क्या क्या लेगा, मूल अधिकार लिया गया, न्यायपालिका, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लिया गया, न्याय पुनर्विलोकन का सिद्धांत लिया गया, उपराष्ट्रपति के पद को लिया गया है, राष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति जो होता है ना उसके ऊपर महाभियोग भी लगाया जाता है, वो भी वहाँ से लिया गया है। इतनी चीज़ें अमेरिका के संविधान में लिखी, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है पूछेगा, आयरलैंड के संविधान से मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नीति निर्देश, हाँ नीति निर्देश के तहत लिया गया, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा।
पूछता है मिलती मिलती तो कहाँ से लिए गए? आप ले लिए संविधान से लिए गए। पूछेगा राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति कहाँ से ली गई? आयरलैंड से, संविधान से। नीति निर्देश तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से, संविधान से। ब्रिटिश संविधान संसदीय शासन एकल नागरिकता। पूछेगा संसदीय शासन और एकल नागरिकता का क्या है? ब्रिटिश संविधान से। पूछेगा विधि का शासन विधि का शासन इम्पोर्टेंट है विधि का शासन पूछा जाता है। द्विसदन ये दोनों चीजें इम्पोर्टेंट है ठीक है ध्यान रखना। विधि का शासन और द्विसदन कहाँ से ली गई? ब्रिटिश के संविधान से। संसदीय शासन ठीक है एकल नागरिकता विधि का शासन चारों चीज इम्पोर्टेंट है ये दोनों खास कर जाता है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संबंधित सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संवर्ती सूची संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संसद की संयुक्त बैठक कहाँ से लेगी? ऑस्ट्रेलिया के संविधान। जर्मनी का संविधान। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन ठीक है जर्मनी के संविधान से।
सोवियत संघ तंत्रात्मक और प्रस्तावना की स्वतंत्रता ये फ्रांस के संविधान में और उसमें जो कुछ चीज़ें दी गई हैं समता और बंधुता के आदर्श संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा सदस्य निर्वाचन जापान सुविधा द्वारा द्वारा स्थापित कर दिया
ये थी हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें, ठीक है, मतलब किस देश के संविधान से क्या क्या लिया गया तब जाके हमारे भारत का संविधान बना। पूछेगा आपसे किस देश का लिखित में संविधान सबसे बड़ा है, इसका भारत का संविधान लिखित में सबसे बड़ा है। आपसे पूछेगा किस देश का लिखित में संविधान नहीं है, किस देश में लिखित का संविधान नहीं है, इंग्लैंड में लिखित का संविधान नहीं है, इंग्लैंड का लिखित संविधान नहीं है, सबसे बड़ा संविधान किसका है, भारत का है ना, और लिखित में संविधान किसका नहीं है, इंग्लैंड का। लिख लो पॉइंट बना के, उनका मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया, कहाँ से लिया गया, बताओ नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, प्रस्तावना की स्वतंत्रता को कहाँ से लिया गया, आपसे पूछेगा संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 368। पूछेगा आपसे समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से, जो क्वेश्चन आते हैं वही पूछ रहे, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा है, तो हमने सभी अंकों को पूछ लिया है, उसके नीचे अंडरलाइन करें। विधि का शासन कहाँ से लिया गया, जापान से, जापान से तो कुछ और है, देखो विधि द्वारा तो स्थापित किया है, सिर्फ विधि द्वारा शासन, विधि का शासन ब्रिटिश से लिया गया। संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से ली गई, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से ली गई, प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया, कहाँ से लिया गया प्रस्तावना, प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से लिया गया, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ, कितनी बार संशोधन हुआ प्रस्तावना, एक बार, कब हुआ, एक बार संशोधन हुआ, तीन नए शब्द जोड़े गए और संशोधन हुआ कब, समाजवाद 1596, 42वां संविधान संशोधन 1976, लघु संविधान।
प्रस्तावना की स्वतंत्रता को कहाँ से मिलेगा? प्रस्तावना की स्वतंत्रता को फ्रांस के समय। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन कहाँ से लिया गया? जर्मनी के संविधान से। सातवीं अनुसूची क्या बताती है? सातवीं अनुसूची क्या बताती है? संविधान जो समृद्धि संघ में कितने विषय और राज्य में छियासठ से इकसठ, समृद्धि में 47 से बावन। पंचायती राज किस अनुसूची, पंचायती राज जो है ना उसकी चर्चा किस अनुसूची में की गई? कब संशोधन हुआ? कौन सा संविधान संशोधन था? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को आत्मा कहा? अनुच्छेद 32 में है क्या? संवैधानिक उपचारों को बढ़ाना। अनुच्छेद 24 क्या बताता है? छः से 14 वर्षों के बच्चों को शिक्षा, वो तो अनुच्छेद 21 ए बताता है। देखो अनुच्छेद 21 ए क्या बताता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, अनुच्छेद 21 ए, ठीक है। अनुच्छेद 51 ए क्या बताता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, जो बच्चे हैं ना उनके माता पिता का दायित्व बनता है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें, ठीक है। और अनुच्छेद 24 क्या बताता है? अनुच्छेद 24 ये बताता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं ना उनको कारखानों में काम करने की अनुमति नहीं है। अगर आप काम करवाएंगे, ठीक है, तो आपको हो सकता है दंडित किया जाए। 6 से 14 वर्ष को काम करने की अनुमति नहीं है कारखाना, ये बताता है। अनुच्छेद 29 क्या बताता है? अनुच्छेद 29 बताता है अल्पसंख्यकों के हित के बारे में, सही ना। अनुच्छेद 28 अल्पसंख्यकों की शिक्षा के बारे में बताता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 17 क्या बताता है? जो अस्पृश्यता होती है ना, छुआछूत, उसके बारे में बताता है। अनुच्छेद 18 जो है ना उपाधियों का अंत करता है, ये कुछ अनुच्छेद ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पाँचवीं अनुसूची क्या बताती है? चौथी अनुसूची क्या बताती है? राज्यसभा सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची करती है? चौथी अनुसूची करती है राज्यसभा सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची बताती है अनुसूचित जाति के प्रशासन के बारे में। छठवीं अनुसूची बताती है जन अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में। चार राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके बारे में चर्चा करती है। आठवीं अनुसूची का सातवीं अनुसूची संघ राज्य समर्थित सूची है, उसमें तीनों हैं। आठवीं चारों भाषाएँ, मतलब 22 भाषाएँ हैं इसके बारे में। नौवीं भूमि सुधार है, ग्यारहवीं दल बदल है, बारहवीं पंचायती राज, ग्यारहवीं पंचायती राज है, और बारहवीं नगर प्रशासन के बारे में, ठीक है। पहली बार उद्देशिका किसने पेश की? कब पेश की? पहली बैठक कब हुई?
1947 संविधान को अपनाए कब दिया? 1947 क्या? और लागू कब किया? 1947 संविधान को कितना खर्चा हुआ? लगभग 64 लाख हो जाएगा। संविधान जो है ना, संविधान को बनने में कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? संविधान भारत की स्वतंत्रता के समय पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? सरोजिनी नायडू। पूछेगा पहले मुख्यमंत्री तो हमसे पूछेगा स्वतंत्र भारत के समय पहला गवर्नर कौन था? सी राजगोपालाचार। पहला हाँ स्वतंत्र भारत के ही पूछ रहे हैं। भारत के अलग होता है, स्वतंत्र भारत के अलग होता है। अभी भारत, अभी तो भारत है, स्वतंत्र भारत को उसके पूछ रहे हैं। अब हम पूछेंगे भारत के पहले गवर्नर कौन थे? कौन थे गवर्नर जनरल? विलियम बेंटिक थे। आपसे पूछेगा बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड बारेना हेस्टिंग्स थे। देखो आपसे पूछेगा पहले गवर्नर कौन थे? सबसे पहला बंगाल का गवर्नर कौन था? क्लाइव था। आपसे पूछेगा पहला बंगाल का, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड बारेना हेस्टिंग्स था। आपसे पूछेगा भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो आप बताएंगे विलियम बेंटिक था। आपसे पूछेगा भारत का पहला गवर्नर जनरल का कौन था? तो आप बताएंगे लॉर्ड कर्जन था। आपसे पूछेगा भारत का स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आपसे पूछेगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था स्वतंत्रता से पहले? तो माउंटबेटन बताया, लॉर्ड माउंटबेटन। इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखना। उसके बाद आपसे देखो, उसके बाद में आपसे कुछ और पूछा जाएगा, कुछ चीज़ें हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो ना, ये तो बात हम कहाँ की कर चुके हैं, ये तो अंग्रेजों की उसमें बात कर चुके हैं ना। अब वो 1857 जो क्रांति आती ना, बैरकपुरी क्रांति, उसके आगे इसे पीछे की बात है, उसके आगे की बात करेंगे। 1857 की क्रांति सबसे पहले काम हुई आपसे पूछेगा बैरकपुर में, बैरकपुर में सही ना, बैरकपुर। 1857 की क्रांति किसकी मदद हुई थी, किस कौन शहीद हुआ था, कौन जी साथियों, आज के लिए इतना ही काफी है। चलो चर्चा करेंगे, ठीक है।